हेलो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आप नए नए एक्सपोर्टर हो और आप एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहां पे देख सकते हो किचन यूटेंसिल जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है इसका अच्छा डिमांड भी है और अच्छा मार्केट भी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो ये जो वीडियो है पूरा एजुकेशन पर्पज से है, तो आप वीडियो देखिए पूरा कि किचन यूटेंसिल्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए किचन्स के अंदर जो है वेलन यूज होता है, पाटली यूज होता है, सब्जी कटिंग करने के लिए जो मशीन वगैरह सब यूज होता है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है एसी प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपको, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो मार्केट है अराउंड 40,000 करोड़ का जो है ये प्रोडक्ट का मार्केट है। तो आप भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए टॉप 5 कंट्रीज जो है वो है USA, UAE, जर्मनी, नाइजीरिया एंड UK। तो ये जो है 5 कंट्रीज है, इसके अंदर आप जो है सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी यहाँ पे वैरायटी में प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैची से लेके स्पून से लेके नाइफ से लेके बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कितने तरीके की नाइफ यहाँ पे अवेलेबल, आप देखिए यहाँ पे। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो और इसका बहुत ही अच्छा डिमांड है। तो ये जो वीडियो है दुबई की सुपर मार्केट का है, और जनरल मैं आपको बताऊं तो आप दुबई ले लो, सिंगापुर ले लो, हांगकांग ले लो, तो ये सब की जो सुपरमार्केट होती है वो ऐसी होती है और वहां पे बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल रहती है, वहां पे मिलती है। तो आप देख सकते हो यहां पे ट्रेज वगैरह है, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेज और बहुत सारे जो लाइक खाना बनाने में जो यूज आने वाली प्रोडक्ट यहां पे अवेलेबल है। यस, तो यहां पे आप देख सकते हो ये लाइक टी मेकर और मैगी मेकर है, यहां पे 14.99 मतलब 15 दिरहम का है, मतलब यहाँ पे बात करें लाइक 300 का ये प्रोडक्ट है। ये भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही है। तो आप नए नए एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो ये सारी जो प्रोडक्ट है उसको चूज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है 9 दिरहम मतलब 180 रुपीज इसका प्राइसिंग हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे जो है किचन यूटेंसिल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें डोसा बनाना है आपको, आपको पिज्जा बनाना है, आपको नूडल्स बनाना है, तो ये जो है लाइक किचन यूटेंसिल्स वहां पे यूज होते आप देख सकते हो। इंडिया के अंदर जो नए एक्सपोर्टर है उसको क्या है कि उसको प्रोडक्ट का इतना आइडिया नहीं है कि सर हम कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, हम नए नए हैं, अपॉर्चुनिटी हर एक प्रोडक्ट में दिख रही है। तो यहां पर मैं आपको एडवाइस देता हूं आपको क्या करना है। आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट किचन यूटेंसिल्स की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक रही है। अब आपको देखना है क्या ये प्रोडक्ट आपके अगल बगल कहीं पे अवेलेबल है, तो आप जो है ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी बिजनेस होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है इसको आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कैसे कर पाओगे, तो आपके पास ये सारी जो प्रोडक्ट है उसका बढ़िया से बढ़िया सोर्सिंग रहेगा तो आप जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर पाओगे। इसलिए आपको इंडिया के अंदर बहुत अच्छा वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे सप्लायर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें से जो है 2-3 सप्लायर जो अच्छे होंगे वो आपको एक कॉम्पिटिटिव रेट देंगे। वरना क्या होता है, नया आदमी देख के कोई भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रेट दे देते हैं। तो आपको स्मार्ट भी बनना है। देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आपको जो है कॉम्पिटिटिव बनना है, स्मार्ट बनना है, और यहाँ पर जो है आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तभी जाके आपको जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में ऑर्डर मिलेगा। तो पहले सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, उसके बाद जहां पे भी जो भी मार्केट में एक्सपोर्ट करना है वो मार्केट का नॉलेज लीजिए, और उसके बाद जो है वहां पे बायर फाइंड कीजिए। आप यहां पे देख सकते हो प्रोडक्ट जो है, आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है प्रोडक्ट है किचन यूटेंसिल्स के अंदर और किचन में यूज होती है, आप देख सकते हो। ये चाय के लिए बहुत सारा यूज होता है, आप देख सकते हो यहां पे, या एक कप वगैरह है जो लाइक दूसरे नॉनस्टिक के भी यहाँ पे बर्तन है, आप देख सकते हो। तो वुडन की आप देखिए, वुडन की प्रोडक्ट की भी बहुत अच्छी डिमांड है, आप देख सकते हो वुडन के सारी चीज़ें जो है वुडन की। तो इंडिया में वुडन की जो है प्रोडक्ट बनती है, तो आप जो है इंडिया से प्रोडक्ट को परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉपर की प्रोडक्ट आप देख सकते हो, कॉपर स्टील के यूटेंसिल्स आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स है, स्पून आप देख सकते हो, आप देखिए कितने टाइप की स्पून वगैरह है। तो विदेश में ऐसी स्पून और ऐसी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट चलती है, तो आप जो है ये प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही पूरा आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।